हरि ओम चंद्रमा सोजा अजात सोत्र भाषा मुख सो परिवार का मानी अरुले हाटले ब्राह्मणो मुखमासी बाहुराज वनस्पति रसो दिव्य पुष्प लेकर हाजिर अब बना त्वदीय वस्तु गोविंद आत्मन समर्पयामि त्यति गरेर आत्मन गराइदिउँ ओम महेश्वराय नमः ओम शंभे नमः ओम शिवपाणे नमः ओम पिनाकाष्ठाय नमः ओम शिवाय नमः ओम पशुपतये नमः महादेव्याय नमः पुष्पांजलि फिर आना पुष्प ले प्रार्थना करूं मंदारमालांकुलिताय कपालमालांकृतशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय उमा महेश्वराभ्याम नमः दक्षिण यानी कि अब घूमने ठाव छैन यसो मनले समझेर पुष्प आदान लिएर वरिपरि घुमेको समझौं अब यानी कि पापानी ब्रह्मत्या सपानी च प्रदक्षिण पदे पदे यानी कानी च पापानि ब्रह्महत्या सतानि च विनश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे यानी कानी च पापानि ब्रह्महत्या सतानि च विनश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः नमस्कारम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मयां मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष मां श्रीदालोलेश्वरः श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः प्रार्थना देहि प्रार्थना पुत्रान् देहि धनं देहि सौभाग्य देहि
शुभ्रते अन्यम स सर्व कामं स देहि देहि नमोस्तुते पुत्रं देहि धनं देहि सौभाग्य देहि शुभ्रते अन्यम स सर्व कामं स देहि देव नमोस्तुते उमा महेश्वराभ्यां नमः ततो वायनानि ब्राह्मणाय दत्यात अन्नम सुवर्णम पात्रस्थानं वस्त्रं फलः दक्षिणां वायवं गौरीविक्राय ददामि सतीते तव सखीको गएको छ पातो फल्नु भएको अब यसो अब यसो सत्यनारायणलाई पनि कता छुट्याउनु हो यसो अब त्यही थालमा यसो सत्यनारायणलाई पनि अलिकति पूजा गरौँ ओम श्री गणेशाय सत्य नारायण पूजा भी तत्र ओम विमलाय नमः पूजा फिर ओम ज्ञान रूपाय नमः ओम क्रियाय नमः ओम योगाय नमः ओम प्रभावाय नमः ओम सत्याय नमः अनुग्रहाय नमः जोड्नुपर्छ नमः विष्णुवे वासुदेवात्मा योगाय योगप्रजपीठात्मने नमः पीठपूजं कुर्यात् लक्ष्मी अब यसो पश्चिमे अनादि पुरुषम उत्तरे आदि पुरुषम आग्नये दिक्पालनादिते नवग्रहान वायव्ये श्रीराम ऐशान्ये लक्ष्मण ऊर्ध्वं ब्राह्मणम अधोदरे अम्बिका आवाहय पूर्वकम् नन्दायेति मन्त्रेण सम्पूजयत पूर्वादि क्रमेणानन्दं बलं प्रबलं विजयं विजयं सुशीलं पुण्यशीलं तथैव पूजयेत ततो अष्टदले तस्माय ॐ ह्रीं रमाश्री सत्यनारायणाय नमः ॐ प्रणः सर्वेन्द्रियाणि यागच्छतु यथा सुखं चिरं तिष्ठन्तु मम ॐ मनो ज्योतिर्दिशदा ए यो पता दिनु हुन्छ।